हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुपर इज गेमिंग। आई एम सुपर। तो वैलोरेंट ने न्यू अपडेट रिलीज़ किया है, न्यू पैच रिलीज़ किया है, पैच 3.0। काफ़ी सारे चेंजेस हुए इस पैच में, बहुत सारे एजेंट्स, गन्स, कॉम्पिटिटिव रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, एजेंट, न्यू एजेंट तो है ही, और स्पेशली द रन एंड गन थिंग। जो रन एंड गन था जिससे लोग बहुत परेशान थे, उसको चेंज करने के लिए वैलोरेंट ने कुछ न्यू चीज़ें डाली है इस पैच में, तो हम देखते हैं। तो ये इन गेम ही मैंने पैच नोट्स खोल रखा है, तो बहुत सारी चीज़ें, वैसे तो हर एक एजेंट का कुछ ना कुछ डाल रखा है, कूल डाउन डाल रखा है, प्राइस इंक्रीज कर रखा है, एक एबिलिटी हटाई है तो एक बढ़ाई है, हर एक एजेंट का कुछ ना कुछ है, तो एक एक डिस्कस करते जाए तो बहुत बड़ा है। आई थिंक एक एक की वीडियो बन सकती है, बट बहुत बड़ा हो जाएगा यार ऐसे एक एक का टेस्ट करना। तो मोस्टली तो देख ही लिया होगा आप सबने अब तक कि किसका क्या क्या है, और गन के प्राइस भी चेंज वगैरह किए, और ये रहा वो रन एंड गन का जो पार्ट है, यहाँ पे वॉकिंग इनएक्यूरेसी वगैरह सब चेंज किया है, और देन देयर्स अकाउंट का कुछ लेवलिंग सिस्टम भी डाला है कि अब अकाउंट जैसे जब खेलते जाएंगे तो अकाउंट भी लेवल अप होता जाएगा, और जैसे कहा मैंने कॉम्पिटिटिव अपडेट्स डाल रखे, और परफॉर्मेंस अपडेट्स, परफॉर्मेंस का मैं बाद में बात करूँगा वीडियो के एंड में कि मैंने क्या नोट किया है। तो अपडेट पैच आके तो मैंने काफ़ी हद तक खेल रखा है, काफ़ी डेथ मैच, स्पाइक रश, ये सब मैंने काफ़ी किया है, तो परफॉर्मेंस वाला पार्ट का भी मैं बताता हूँ, और किल फीड वगैरह कुछ जो छोटे मोटे यूआई एलिमेंट्स वो भी चेंज वगैरह किए हैं, और बक्स वगैरह तो फिक्स होते ही हर एक अपडेट में। तो इसको बैक करते हैं, तो एक बार बैटल पास देख लेते हैं कि क्या क्या स्किन है। मेरे को एक दो स्किन इसमें बहुत ही सेक्सी लगे। हाँ, ये रहा के टैक शेरीफ, जो ये ब्लैक और ये अंदर पता नहीं क्या कुछ डायमंड जैसा कुछ है, बहुत ही सेक्सी लुकिंग स्किन है। अगर ये स्किन स्टोर में होता और ये कोई बंडल में होता तो इतनी हैरानी नहीं होती है ना, इतना सरप्राइजिंग पार्ट नहीं होता, बट ये बैटल पास में मिल रहा है इतनी बढ़िया लुकिंग स्किन। टू बी ऑनेस्ट यार, सही दिल से कहूँ कि बहुत सारी स्किन है स्टोर में, बट ये जो स्किन्स बैटल पास में, ये काफ़ी सारे प्रीमियम स्किन्स जो स्टोर वाले स्किन्स है उनसे काफ़ी बेटर है ये वाला स्किन, ये जो ब्लैक के टैक वाले जो स्किन है। और भी होंगे बहुत, एक तो शेरिफ का था मेरे ख्याल से, वैंडल और बुलडॉग का भी। हाँ, ये बुलडॉग का बहुत ही बढ़िया लग रहा है स्किन, बहुत ही बढ़िया ब्लैक और ये ऐसे डायमंड कटिंग जो भी है, सुपर सेक्सी। वैंडल अब तक का मेरे ख्याल से बैटल पास में सबसे बढ़िया स्किन होगी ये, बहुत ही कूल, क्या बोलूँ, कोई वर्ड्स ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया लग रही है स्किन। ऑपरेटर भी है इसमें, कहाँ गया ऑपरेटर, हाँ ये रहा ऑपरेटर भी बहुत बढ़िया लग रही है, बिल्कुल एक प्रीमियम स्किन लग रही है। अगर इसमें एनिमेशन वगैरह डाल दो ऐसा लग भी रहा कि इसमें कुछ अपना ही केल एनिमेशन वगैरह होगा, बहुत ही बढ़िया लग रही है, लग ही नहीं रही कि बैटल पास की स्किन है। और हाँ ये नाइफ, ओ भाई ये तो, इसको कहते हैं ना ब्लेड, इसको कहते हैं नाइफ, इससे पहले पता नहीं क्या क्या आता था, कुलाड़ी कुछ आ रहा है क्रेटोस का, और पता नहीं क्या क्या था। ये है कुछ स्किन, कुछ बढ़िया स्किन, और ये भी जो एजेंट्स के जो स्किन ना रखे हैं, स्किन वाली जो गन्स है, ये भी अच्छे लग रहे हैं वैसे देखे जाए तो। अगर इन सब का भी एक सेपरेट स्किन बंडल बन सकता है, आई थिंक ऐसे करके पहले भी एक है स्किन बंडल आया था कुछ, जिसमें एजेंट्स का कुछ टाइप के स्किन अप्लाई कर रखा था, स्पेक्टर वगैरह इन सब गन्स में। तो इतने कुछ कूल तो नहीं है, ठीक है, एक नॉर्मल से ऐसा सिंपल से कोई स्किन से बढ़िया तो थोड़ा यही है, दिखने में थोड़ा ठीक लग रहा है। और इन ये मोनार्ट स्किन ठीक है, लुकिंग कूल, क्लासी, ज़्यादा कुछ फैंसी स्टफ़ नहीं है, ठीक है। तो बैटल पास में जो भी स्किन है, और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें, बैनर वगैरह, कार्ड क्या कहते हैं, और टाइटल वगैरह, बहुत कुछ चीज़ें, ये सब तो ठीक है। तो इस बार का जो बैटल पास का स्किन है बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, मैं डेफिनेटली लूँगा इस बार तो बैटल पास, बहुत अच्छे लग रहे स्किन। एजेंट, न्यू एजेंट हमारा KO, अभी तक अनलॉक नहीं हुआ, आज ही आया अपडेट, तो जैसे अनलॉक होगा, अनलॉक होने के बाद मैं इस पर कुछ वीडियो बना के देखता हूँ कैसे एजेंट क्या है,
क्या है इसका फ्यूचर, फ्यूचर तो नहीं मतलब पूरे वैलोरेंट लाइनअप पे इसका क्या रोल है। जब भी कुछ न्यू कैरेक्टर आता है स्टार्टिंग में थोड़ा ओपी होता है, फिर बाद में डाउन होने लग जाता है। किलजॉय का भी ऐसे सीन था, एस्ट्रा का ऐसा कोई सीन हुआ नहीं, लेकिन एस्ट्रा लेकिन कंट्रोलर है उसका, इतना कुछ अटैकिंग वाला कुछ है भी नहीं उसका पार्ट। आल्टो स्क्वायर रेयरली मैंने देखा कभी यूज़ में होता है। ओके तो ये तो ठीक है बैटल पास एन एजेंट, बट मुझे जो जानना है वो है कि रन एंड गन पार्ट। अभी तो मैं एक डिटेल टेस्ट नहीं करने वाला, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसमें अच्छे से टेस्ट वेस्ट करके दिखाऊंगा। अभी जस्ट हम डेथ मैच करेंगे, 3-4 मैच करूंगा डेथ मैच, और उसमें देखते हैं कि रन एंड गन कितना होता है। और वैसे सच बताऊँ तो रन एंड गन है, स्पॉइलर अलर्ट। तो चले डेथ मैच स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं उसमें मिलता हूँ आपसे। तो ये हम आ गए डेथ मैच में, और गन ने ले लिया, लेफ्ट राइट जाते हैं, देखते क्या हो सकता है हमारा। बंदा इधर से नाचते नाचते कैसे मार गया मेरे को। ओके ये तो रन एंड गन था मेरे ख्याल से। अबे भाई शिफ्ट वॉक क्यों कर रहे हो भाई, क्या बन गया। नो मोर मेडलिंग। भाई इधर उधर अबे वो बंदा इधर से ऐसे चलते कैसे मार रहा भाई, उसके चारों के चारों गोलियां लग गई। अबे तो मैंने नेक्स्ट मैच में हूँ, नेक्स्ट डेथ मैच कर रहे हैं, या तो मैंने वेंडल लिया। वेंडल थोड़ी ज़्यादा हैवी बंदूक है, इसमें अच्छे से पता चलेगा माउस को क्या हो गया सडनली। भाई इधर चलते चलते कैसे मार रहे, मैं क्राउच करके मारता हूँ, किसको ज़्यादा वो होना चाहिए फेवरेबल। अबे कैसे व्हाट, वो बंदा ऐसे लाइटनिंग फास्ट कैसे आके मार गया। मार ही दिया था ऑलमोस्ट। इसमें थोड़ा तो मुश्किल है वैसे सीएसगो के मुकाबले। भाई कैसे 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 भाई, ये देखो गन इक्विप करके मार भी दिया भाई, कैसे जम जम करते करते कैसे मार रही है भाई, क्या है भाई, उसको एक गोली नहीं लगी। आओ भाई साहब, ये क्या बंदा है भाई। भैया मैं जम करके आऊँ तो मेरी गोली नहीं लगी। बट ये वैलोरेंट का डेथ मैच यार ऐसे ही होता है मोस्टली। ये डेथ मैच ही ऐसा बन रखा है कि तुम्हें ऐसी जगह स्पॉन करेंगे जहाँ 2-3 बंदे लड़ रहे होंगे, बस तुम्हें क्या करना होता है, जिनका हाफ डैमेज होता है हाफ हेल्थ होता है उनको एक दो गोली मार मार के किल निकालते रहो। डेथ मैच में प्रॉब्लम तो है इसमें, 1-on-1 तो मुश्किल होता है। चलो कोई नहीं, ये तो वैलोरेंट देखे क्या करना है इसका, अभी के लिए तो ये है रन एंड गन है। मुझे तो काफ़ी ऐसे सिचुएशन ऐसे लगे कि भाई भगते वो बंदे भगते भगते ऐसे मार रहे, तो इस चीज़ पे और मैं वीडियोस बनाऊंगा, इंग्लिश पे होगी वो वीडियो ज़्यादा चलेगी। थैंक यू यार आपने वीडियो देखा, और भी मैं न्यू वीडियोज़ बनाऊंगा। डू गिव अस अ लाइक सब्सक्राइब एंड फॉर न्यू कंटेंट्स एज यूजुअल। टेक केयर माई फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय, सी यू।